हैं आज की कुछ ताजा खबरें। हम बात कर रहे हैं धार जिले के नगर परिषद धामनोद की, जहां के युवाओं द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें धामनोद और आसपास के क्षेत्रों से कई युवा इस मैच में शामिल होने के लिए आते हैं। धामनोद के युवाओं ने किया एक दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन। हम बात कर रहे हैं धार जिले की नगर परिषद धामनोद की, जहां के युवाओं द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन रखा गया था, जिसमें धामनोद एवं आसपास के क्षेत्रों से कई युवा एवं हम बात कर रहे हैं धार जिले के नगर परिषद धामनोद की, जहां के युवाओं द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था, जिसमें धामनोद और आसपास के क्षेत्रों से कई युवा इस मैच में शामिल होने के लिए आते हैं। यहां युवा लगातार 7 सालों से रोज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक क्रिकेट खेलते हैं एवं साल में एक बार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। युवाओं को खेल के प्रति जागृत करने वाले बबलू जी एवं अन्य युवाओं ने बताया कि इस तरह के खेलों को बढ़ावा मिलना चाहिए, ताकि आज के युवा मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत होंगे। साथ ही इनके अंदर छुपी हुई खेल भावना एवं प्रतिभा भी जागृत होती है। क्या नाम है आपका? सुनो, विक्की मालविया। यहाँ पर ये कब से चल रहा है मैच? विगत 6-7 वर्षों से चल रहा है। किन के मार्गदर्शन में हो रहा है? सभी टीम मिलके सब अपने आप, जो भी यहाँ खिलाड़ी आते हैं, 100 खिलाड़ी लगभग हमारे बाहर के भी रहते हैं या लोकल के रहते हैं, जो भी आना चाहे, हमारे यहाँ गुजरी से भी आते हैं, धानी से भी आते हैं, रोज सुबह 6 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं, आसपास के क्षेत्र के आते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू आर्टो है। यहाँ पर गेम क्रिकेट किस लिए खेला जाता है और क्यों? हम विगत 15 साल से इसको DSK ग्रुप के ग्राउंड पे चला रहे हैं जी। और बुजुर्ग कम से कम 45 की उम्र के ऊपर के सारे खिलाड़ी लगभग आते हैं, और हमारे खेलते हुए देखते हुए यंग लड़के जो भी हैं, उनकी भी युवाओं की उमंग आती है कि यार ये जो कोई इतनी ज़्यादा उम्र के यहाँ खेल सकते तो हम भी खेल सकते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये आयोजन जो हम DSK ग्रुप हमारा जो है साल में एक बार त्यौहार के रूप में मनाते हैं, और किसी से कोई बाहरी कोई उपयोग नहीं लेते हैं। सिर्फ धामनोद के ही रहते हैं युवा? धामनोद के ही युवा रहते हैं, और लोग विगत साल भर खेलते हैं यहाँ पे। अच्छा, डेली खेलते हैं साल भर, बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, हम लोग खेलते हैं यहाँ पर। एक आयोजन ऐसा रखते हैं एक दिन का जी, जिसमें इस बार हमारे पास खिलाड़ी ज़्यादा हो गए थे, तो हमने 4 कप्तान करे हैं, वो 4 टीमों में बांट दिए गए। तो स्वेच्छा से सभी कप्तान बने हैं। टीमों के नाम बताएंगे? एक तो मराठा ईगल है जी, एक केवट हंटर है जी, एक भाऊ टाइगर है। अच्छा, और एक मालवा ईगल लियोन है। इनके मार्गदर्शन में हो रहा है? ये सभी के मार्गदर्शन से होता है ये कार्यक्रम, पूरे खिलाड़ियों के मार्गदर्शन से कार्यक्रम होता है। ठीक है।